झारखंड में अनलॉक 4 के दौरान सरकार द्वारा जारी किए गए नए गाइडलाइंस में बसों के परिचालन में छूट दी गई है, जिसके बाद साहिबगंज स्टेडियम रोड स्थित बस स्टैंड से सभी लंबी दूरी के बसों का परिचालन शुरू हो गया। बसों के परिचालन शुरू होने से पहले यहां से खुलने वाली बसों की साफ सफाई की गई और सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए यात्री एक लंबे समय के बाद बसों पर सवार हुए। साहिबगंज बस स्टैंड से बोल रहे हैं, सवारी का कोई माल नहीं है, गाड़ी हम लोग दौड़ा रहे हैं। अब जमाने में लगेगा समय, जैसे अगला बार जमाए थे इसी तरह आपका बार भी ज्यादा जमाएंगे, फिर लॉकडाउन हो जाएगा। ज्यादा जमाए तब तो लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन में हम क्या भूखे मर रहे हैं, क्या देगा? बस वाला को देता है, बस वाला टैक्स नहीं देता है, यहाँ से राशि चलती है, साहिबगंज से राशि चलती है। हम सवारी हो जाएगा तो मालिक भी भुखा रहेगा, हम लोग भी भुखा रहेंगे, लेकिन यहाँ पैसा तो मालिक का डीजल का पैसा नहीं खुल जाता है, हम लोग यहाँ क्या खाएंगे चोरा की। साहिबगंज बस स्टैंड के स्टैंड किरानी भोला सिंह ने बताया कि कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाया गया था, लिहाजा इन्हीं कारणों से बसों का परिचालन पूर्णतः बंद था। अब नए निर्देश के अनुसार बसों का परिचालन शुरू तो हुआ, जिससे उन्हें खुशी भी है, लेकिन यात्रियों की कम संख्या के कारण इन दिनों बस मालिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कोरोना काल में गाड़ी बंद होने से, परिवहन बंद होने से दो लाख आदमी बेकार हो गया। ड्राइवर, खलासी, स्टैंड एजेंट जितने भी हैं सब बेकार हो गए, जिनको भी रोजी रोटी में बहुत तबाही हालत आया। और हेमंत सोरेन जो आदेश दिए हैं कि बस चालू करो, तो बस चालू हो गई है, अब पैसेंजर कम हो रहा है। गाइडलाइन का पालन करने बोला कि हाँ आप मास्क लगाइए, दो गज की दूरी बनाइए, हाथ को सैनिटाइज कीजिए, ये तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन अब आस्ते आस्ते देख रहा हूँ कि आज गाड़ी तो घुसी है, अब पैसेंजर तो कम हो रही है, इसी से हमको दुख है। वहीं बसों पर सवार होने वाले लोगों ने बताया कि बस स्टैंड पर यात्री सुविधाओं की घोर कमी है। यहां ना तो यात्रियों को बैठने की जगह है और ना पीने का पानी और ना ही शौचालय। अगर सुविधा के नाम पर कुछ है तो वो है एक शेड, और वो भी इन दिनों काफ़ी गंदा है। यात्री सुविधा के लिए यहाँ पर बैठने उठने का कोई जगह नहीं है सर, और बहुत तरह का सवारी आता है, खड़ा रहता है, न यहाँ पर लेटरिन का व्यवस्था है, न पेशाब करने का व्यवस्था है, मैदान है जहाँ मन तहाँ लोग पेशाब करता है। अब बैठने का तो एकदम बिल्कुल ही एकदम इंतजाम यहाँ नहीं है, और आज से नहीं, जब से बस सेवा यहाँ से स्टार्ट हुआ है सर, 4 साल होने जा रहा है, आज तक बैठने का कोई मतलब उपाय नहीं है सवारी। वैसे साहिबगंज में पार्क हो, गंगा घाट हो, शहर हो, चाहे बस स्टैंड हो, हर जगह साहिबगंज नगर परिषद के लापरवाह सिस्टम से इसकी और इसके अधिकारियों की लगातार पोल खुल रही है, लिहाजा ज़रूरत है सरकार को ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर जिम्मेदारी निर्धारित कर कार्रवाई करने की, जिनकी वजह से लोगों की जिंदगी नरकीय बनी हुई है। अभिषेक कुमार के साथ प्रीतम पांडे, न्यूज़ लाइव, साहिबगंज।